सबसे पहले तो तेरा रियल नेम, पूरा नाम क्या है जो कागजों में है? मुझे लड्डू लड्डू बुलाते हैं। नानी ने रखा था इसका नाम रोशनी। स्कॉलरशिप भी मिली मुझे, टॉपर था मैं। पब्लिक साथ फेरे लिए तेरे साथ। तो छुट्टी तो होनी चाहिए वैसे, 15 अगस्त तो नेशनल हॉलीडे होता है ना, सबकी छुट्टी होती है, होनी ही चाहिए। पुष्पा ने आज तक कभी चंडीगढ़ में फिल्म ही नहीं देखी है किसी भी थिएटर में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जी आज है मंडे और काम बहुत है आज भी, और प्रज्वल तो बैठा चाय पी रहा है। अभी देखो पुष्पा आटा गूंद के चली गई है और चने भी उबाल के चली गई है, ठीक है ना। और ये चने भी हो गया, सेट हो गया बिल्कुल। और मैं इनको फटाफट से जीरे का ही छौंक लगाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा टमाटर भी डालेंगे तो उससे थोड़ा सा अच्छा आ जाता है, रस मिसा हो जाएगा। तो बस नाश्ते के लिए हो जाएगा, दोपहर के मतलब खाने के लिए भी हो जाएंगे हमारे, है ना। फिर रात को देखेंगे, तो क्योंकि कल तो 15 अगस्त है, कल तो छुट्टी होगी, मेरी तो छुट्टी होगी। खैर तेरी कल छुट्टी है रे? 15 अगस्त की किस बात की? और ये कल पूछ रहा था मुझसे, कहता कि इस बार 15 अगस्त कौन सी तारीख को पड़ रही है। तो आप बताना 15 अगस्त कौन सी तारीख को पड़ रही है। तो चलो जी दोस्तों, अभी तो थोड़े से ही बनाने हैं ना, तो इसलिए छोटी कढ़ाई में बना लेता हूँ जल्दी से। तड़का लगाते हैं जीरे का। चलो अब इसमें डाल देते हैं चने, ये निकालो चने यहाँ से सीधा डायरेक्ट, और सीधा डायरेक्ट उधर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। और दोस्तों पुष्पा को ये तैयार, पुष्पा जा रही है बाय बाय बाय। और पुष्पा को चने दे दिए, ठीक है। और प्रज्वल बनाने लगा है जी रोटी, ये देखो अपने लिए और मेरे लिए भी। और मैं चलता हूँ जी अब नहाने, ठीक है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, जल्दी से नहाते हैं और चलते हैं ऑफिस। और देखो दोस्तों आज मार्केट में ना सारी जगह तिरंगे तिरंगे लगे हुए हैं, देखो यहाँ पे भी, वो पीछे भी लहरा रहा है देखो, है ना, वो देखो पूरी मार्केट में वहाँ तक। दोस्तों देखो मैं आ गया हूँ पुष्पा को लेने, और टाइम हो रहा है 6:25, और मुझे लगभग 10 मिनट हो गए इंतज़ार करते, और पुष्पा कह रही है कि अभी आधा घंटा और लगेगा तो इंतज़ार करना। और दोस्तों देखो 6:35 हो गए, 40 मिनट, और पुष्पा अब आई है। और चले जाओ फिर, मैं तेरे को अकेला छोड़ के चला जाता क्या? चलो जी, है ना, तो मुझे छोड़ के जाओ। पगली साथ फेरे लिए तेरे साथ। हर वक्त तेरे साथ रहूँगा मैं, डोंट वरी, है ना दोस्तों। तो चलो जी अभी चलते हैं घर को, आज मौसम ख़राब हो रहा है देखो, बारिश का बदन तो रहा है। अगर आज बारिश हुई ना, आज तो मैं पक्का नहाऊंगा। और वैसे ठंडा हो रहा है, तो अच्छा हो रहा है। देखो कल 15 अगस्त है ना, तो यहाँ पे अच्छे से सफेदी सफेदी कर रखी है, तो चमक गया ना आज। हाँ तो चलो चलते हैं जी घर को फटाफट से, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं है और वैसे भी लेट हो गए। चलो तो दोस्तों ये देखो, ये खड़े हो गए ना, कल मैंने परसों दिखाए थे ना, ये सारे खड़े हो गए हैं यहाँ पे पेड़ पौधे ऐसे। और वो देखो चौक पे पूरे झंडे झंडे लगा रखे हैं, कल 15 अगस्त है इसी की खुशी में। किस तरह से जा रहे हैं ये देखो दोस्तों, रोज़ हम यहाँ पे खड़ते हैं ना, यहाँ पे भी कर रखा देखो पेंट। और ये फूल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, वाह वाह, आज तो फूल भी बहुत अच्छे से खिल रखे हैं। तो दोस्तों मैं तो नहा के आ गया, और आज ना ज़्यादा कुछ नहीं बनाया व्लॉग में। दृष्टि देखो पढ़ाई कर रही है अपनी, दृष्टि की भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, छुट्टियाँ भी है। और पुष्पा का आज थोड़ा सा मूड ख़राब है, क्योंकि उसको कल की छुट्टी नहीं है, 15 अगस्त है ना। तो छुट्टी तो होनी चाहिए वैसे, 15 अगस्त तो नेशनल हॉलीडे होता है ना, सबकी छुट्टी होती है, होनी ही चाहिए। और 15 अगस्त 26 जनवरी ये चीज़ें तो है ना, होनी ही चाहिए मेरे हिसाब से। क्या पहले हम जिस दुकान में काम करते थे ना, वहाँ पर भी ऐसे होता था 15 अगस्त की, तो मतलब एक्चुअली क्या है कि 15 अगस्त को कोई मतलब जबरदस्ती नहीं है कि भी आपने काम करना ही है ना, उस दिन नेशनल हॉलीडे होता है तो छुट्टी बनती है हर एक नागरिक की। और मैंने देखो सवेरे थोड़े से बचाए थे ना चने, उन्हीं को लगा लिया तड़का, और ये देखो बिल्कुल सही हो गए बढ़िया से। और चावल भी बना लिए, दृष्टि ने रोटी बना ली है। तो बस आज ज़्यादा मैं कभी बार बार क्या रोटी दिखाऊँ, तड़का लगाऊँ, ये दिखाऊँ, है ना, तो मैंने इसलिए तड़का लगा के अपना नहा धो के आ गया मैं। उसके बाद ही मैंने सीधा व्लॉग शुरू किया, और थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा ना पुष्पा कल, नहीं तो हम कल प्लान कर रहे थे कुछ नया कुछ करने की, कुछ फिल्म फिल्म देख के आते, नहीं तो कल गदर 2 देख के आते, है ना। पुष्पा ने आज तक कभी चंडीगढ़ में फिल्म ही नहीं देखी है किसी भी थिएटर में, मतलब आज तक गई ही नहीं 20 साल में, मैं कभी इसको लेके ही नहीं गया फिल्म दिखाने के लिए, कि ना किसी थिएटर में, और ना ही जो ये मॉल मूल खुले इनमें, कभी भी नहीं।
तो वही मैं सोच रहा था कि पुष्पा को सरप्राइज देंगे 15 अगस्त को, गदर 2 दिखा के लाऊंगा। पर चलो छोड़ो, अब क्या करें, मतलब काम, मतलब ऐसा भी काम क्या करना है। मैं तो कह रहा हूँ कि एक जो छुट्टी बनती है वो तो करनी चाहिए ना, होनी ही चाहिए। मतलब ये तो 15 अगस्त 26 जनवरी इन दिनों में मतलब ये छुट्टी बनती ही है, और इसमें ये नहीं है कि भाई आपने वो कर लिया है या कुछ, अपनी पर्सनल लाइफ ही होती है, ऐसी थोड़ा ना सारा। चलो सोचते हैं कुछ, क्या करें, गरीब आदमी, मजबूरी में करना पड़ता सब कुछ। तो दोस्तों, आपका बहुत समय से कमेंट आ रहा था कई लोगों का कि प्लीज़ अपने बारे में बताइए, अपनी फैमिली के बारे में बताइए, आप क्या काम करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह। तो बहुत से कमेंट थे, किसी ने कहा कि भी आप बताइए, एक डिटेल वीडियो लाइए। तो डिटेल वीडियो बस यही है। तो दोस्तों, अब देखो जी, प्रज्वल जा रहा है काम पे, तो इसका इंट्रोडक्शन मैं दिलवा देता हूँ आपको। तो प्रज्वल, चलो भी अपना पूरा बता दे, क्या क्या तेरा नाम है, डेट ऑफ बर्थ, और क्या काम करता है, कितनी एजुकेशन है, सब बता अपने, सब शुरू से लेके। सबसे पहले तो तेरा रियल नेम, पूरा नाम क्या है जो कागजों में है? तो मेरा पूरा नाम तो प्रज्वल आ रहा है। अच्छा। और वैसे बचपन में मुझे लड्डू बुलाते थे सब। हाँ, बचपन में इसको लड्डू बुलाते थे। और ये देखो, ये है इसकी बचपन की फोटो, ये देखो, ये देख रहे हो, ये पुराने दोस्त हैं, मुझे लड्डू बुलाते हैं अभी भी, लड्डू बुलाते हैं अभी भी। मना कराया हुआ ना मैंने, तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि नाम बिगड़ जाता है ना, लड्डू अच्छा नहीं, बचपन में तो ठीक लगता लेकिन बड़े होके फिर। अब बता, अब क्या बोलते हैं? और क्या, मेरी एज अभी 19 साल। नहीं, अब क्या बोलते हैं, निक नेम क्या तेरा? निक नेम प्रज्जू। प्रज्जू, हाँ जी, प्रज्जू ही है इसका निक नेम। घर में भी हम जो है प्रज्जू ही बुलाते हैं इसको। और अब अपनी डेट ऑफ बर्थ? नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं, बस ईयर, मंथ और ईयर बता दे। मंथ क्या, मार्च है और ईयर है 2004। एजुकेशन अभी प्लस टू कर रहा हूँ प्राइवेट से। और साथ में अभी क्या, कहाँ जा रहा है? अभी तो काम पे जा रहा हूँ। हाँ, तो वही बताना, लोगों को चाय पिलाने, फिर अगला प्रधानमंत्री बनूंगा। तो ये चाय पिलाता है जी लोगों को देसी अर्बन चाय में। वैसे ही पार्ट टाइम जॉब करता है, क्योंकि क्या है कि घर में रह के मतलब क्यों करता है काम, कुछ वो है ना, क्या अपना खर्चा चलाने के लिए, खर्चा चलाने के लिए हम अपने। बाकी तेरे को क्या क्या आता है, खाना खुना बनाने में, घर का काम करने में क्या क्या आता है, झाड़ू पोछा करने में? सब पता, झाड़ू पोछा सब आता है मुझे, कटकी सब। और ये देखो, अभी दृष्टि इसको कह रही थी चादर बिछा के जा, तो बिछा के नहीं जा रहा है, सब आता है तो ये क्यों नहीं करके जा रहा है? एडिटर, बिजी। अच्छा, एडिटर। हाँ, ये साथ में रील भी एडिट करता है, इसकी एक रील वायरल भी गई थी। और खाने में क्या क्या बनाना आता है? रोटी, आटा भी गूंद लेता है, रोटी चावल। हाँ, रोटी चावल सब आता है, बाकी सब्जी भी आती है, और जो नहीं आता उसको मैं YouTube से देख के अपने अंदाज में बना देता हूँ। बस, तो ये है प्रज्वल का इंट्रोडक्शन। और अपने बारे में मैं बाद में बताऊंगा, उससे पहले दृष्टि बताएगी अपने बारे में। और दोस्तों, सॉरी लाइट नहीं है, तो मैं दृष्टि का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, क्योंकि प्रज्वल तो चला गया है, पुष्पा भी गई हुई है काम पे। पुष्पा जो अगर आ जाएगी तो मैं उसका भी डाल दूंगा क्लिप, अगर नहीं आएगी तो मैं ही बता दूंगा, वो आपको पता लग ही जाएगा। ठीक है, तो पहले हम दृष्टि से पूछ लेते हैं। तो दृष्टि, ये लो अपना इंट्रोडक्शन शुरू करो। मेरा रियल नेम दृष्टि आ रहा है, और वैसे मेरा निक नेम रोशनी है। रोशनी जो कि नानी ने रखा था। हाँ, नानी ने रखा था इसका नाम रोशनी। और वैसे मैं कभी कभी या हमेशा मैं किस नाम से पुकारता हूँ? बाबू। हाँ, और मैं मतलब इसको ज़्यादातर बाबू ऐसे कहते, क्योंकि छोटे हमारे बाबू ऐसे कहते हैं ना, पिताजी को मतलब बोलते हैं, तो छोटे बच्चों को पहले बोलते हैं, तो मेरे मुंह पे वही है, तो मैं बाबू ही बोलता हूँ। और दृष्टि जो है क्या क्या करती है बता दे। अभी मैं 12th में पढ़ रही हूँ, और सारे घर के काम मैं ही करती हूँ। हाँ, सारे काम यही करती है। अगर दृष्टि ना हो तो भाई हम तो खाना भी नहीं खा पाएंगे, रोटी नहीं खा पाएंगे रात की, ठीक है ना, क्योंकि रात की रोटी ज्यादातर दृष्टि ही बनाती है। पर मैं सब्जी वगैरह नहीं बनाती हूँ। हाँ, सब्जी नहीं बनाती है, क्योंकि सब्जी वब्जी तो वो थोड़ा सा कुछ उसमें जलने भलने का, इसका तेल से थोड़ा डर लगता है ना, पतीले की वो ढक्कन को दाढ़ वो बना लेती है ढाल। तो ठीक है, और मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने बहुत पहले से मतलब बचपन से ही काम कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब बचपन से, इन द सेंस कि 10वीं की जब छुट्टियाँ पड़ती है ना, तो 10th की जब रिजल्ट आने से पहले एक महीने की छुट्टियाँ पड़ती है, तब से काम लगा हुआ हूँ मैं। तो उसके बाद फिर मैंने ITI की एक साल, क्योंकि मेरी एडमिशन नहीं हुई, परसेंटेज कम थी तो एडमिशन नहीं हुई, तो ITI में ले ली। तो ITI की मैंने हैंड कंपोजिटर में, उसमें स्कॉलरशिप भी मिली मुझे, टॉपर था मैं, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं काम पे लग गया, काम पे ऐसे लगा कि मतलब कपड़ा मारने से लेके, मतलब कपड़ा मारता था, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी थोड़ी करके फोटोस्टैट सीखी, फिर बाइंडिंग सीखी, स्पाइरल बाइंडिंग, कॉम बाइंडिंग, ये वो। और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम, मतलब फोटो स्टार्ट होगी, बाइंडिंग होगी, फिर स्पाइरल बाइंडिंग, ये वो।
लेमिनेशन, फिर उसके बाद खड़े खड़े वो कंप्यूटर था उनके, तो कंप्यूटर का काम होता था वो लड़के करते थे, मैं देखता देखता सीख गया। तो इंग्लिश टाइपिंग थोड़ी सी मैंने सीखी थी आईटीआई के टाइम पे, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई कीबोर्ड पे हाथ रखने में, और जैसे जैसे मैं फ्री होता था तो मैं कीबोर्ड पे हाथ चला लेता था। और इसी तरह से फिर मैंने पहले देखा कि वहाँ पे पंजाबी की बहुत डिमांड थी और पंजाबी ज़्यादा आती नहीं थी किसी को, तो पंजाबी की मैंने पहले टाइपिंग सीखी, तो पंजाबी का काम करने लगा, फिर हिंदी की भी सीख ली, फिर इंग्लिश तो आती थी, इंग्लिश में सब मैं स्पीड बनाई, धीरे धीरे करके मैंने कंप्यूटर सीखा वहीं पर बैठ के अपने फ्री टाइम में सीखता था, सीखते 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 फिर आज की डेट में डिज़ाइनर बन गए हैं, ठीक है ना, डिज़ाइन भी करते हैं। तो बस अब ये प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, तो यही मेरी है कहानी। और हाँ, अगर पुष्पा अभी तो है नहीं तो मैं पुष्पा के बारे में बता देता हूँ। पुष्पा जो है वो प्राइवेट जॉब कर रही है इस समय, मतलब किसी के बेबी सिटिंग का काम करती है, मतलब दो बच्चे हैं उनके, उनको छोटे बच्चे हैं तो उनको देखती है, और थोड़ा घर का काम जो होता है वो करती है। तो बस, और मैं जहाँ तक मेरे पढ़ाई का सवाल है तो मैं पढ़ा हूँ अपना प्लस टू मैंने कर रखी है पंजाब बोर्ड से, मतलब प्राइवेट जो रेगुलर पढ़ा मैं टेंथ तक पढ़ा, उसके बाद प्लस टू प्राइवेट करी है, आईटीआई की एक साल उस बीच में दसवीं, और मतलब जिससे मैं ग्यारहवीं करते उस समय आईटीआई की, फिर अपना प्लस टू प्राइवेट की जब मैं काम कर रहा था उसी समय से, फिर बीए का एक साल किया था, फिर उसके बाद कर नहीं पाया क्योंकि हो ही नहीं पाया, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही था, ये मेरी इंट्रोडक्शन। पुष्पा भी पढ़ी लिखी है, मैंने दसवीं कर रखी है पुष्पा ने भी, और बस पुष्पा दसवीं तक पढ़ी है। तो यही है जी हमारी लाइफ इंट्रोडक्शन, और कुछ नहीं जाते, कुछ नहीं है बस ये, हम चंडीगढ़ में रहते हैं, चंडीगढ़ के साथ मतलब लगता है पिंड गांव में, मतलब धनास, मतलब साथ ही लगता है बिल्कुल, तो हाँ वहाँ पर रहते हैं बस। तो होप कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जो आप चाहते हैं, बस यही है।